ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जिसका बाप 2 साल में ही मर गया और उसकी माँ ने उसे बहुत मेहनत से पाला, जिसे बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला, लेकिन इसके बावजूद उसने सदी की सबसे लग्जरी कार बनाई, मर्सिडीज बेंज। ये कार इतनी फेमस हुई कि ये हिटलर की मोस्ट प्रेफर्ड कार बन गई। लेकिन इस लग्जरी कार का एक डार्क पास भी है और वो ये है कि हिटलर के कहने पर इन्होंने 63,000 मजदूरों से जबरदस्ती अपनी फैक्ट्रीज पर काम करवाया। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मर्सिडीज बेंज है उसमें जो वर्ड है मर्सिडीज वो एक अमीर आदमी की बेटी का नाम है, लेकिन उसकी बेटी के नाम से ये कार का नाम क्यों पड़ा? कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को मर्लबर्ग जर्मनी में हुआ था। उनके डैड एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ। जब कार्ल बेंज 2 साल के थे तो उनके डैड की डेथ हो गई और उनकी माँ को अलग अलग जगह पर काम करना पड़ा उन्हें पालने के लिए। कार्ल बेंज ने अपनी माँ की मेहनत को देखा और वो एक अच्छे स्टूडेंट बने। 15 साल की एज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया और कार्लसरू पॉलिटेक्निकल स्कूल में एडमिशन ले ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर नौकरियां करी। उन्होंने लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया, कभी वो ड्राफ्ट्समैन की तरह काम करते और कभी डिजाइनर बन जाते। जॉब करते करते वो अपने एनवायरमेंट को देखते और उन्हें एक चीज क्लियर होगी और वो ये थी कि आगे चल के जो हॉर्स कैरिजेस है यानी घोड़ा गाड़ी वो नहीं होंगी और ऐसी कार बनाई जाएंगी जो खुद ब खुद सड़कों पर चल पाएंगी। जब भी ये चीज वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते तो उनके फ्रेंड्स उन पर बहुत हंसते, लेकिन कार्ल बेंज को इसकी परवाह नहीं थी। कार्ल बेंज ने 27 साल की एज में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस बिजनेस पार्टनर का नाम था ऑगस्ट रिटर और इन दोनों ने मिलकर एक लोहे का कारखाना खोला। अपने फ्री टाइम में मिस्टर बेंज हमेशा ऐसी कार बनाने में लगे रहते जो खुद ब खुद चल पाए। कार्ल अपने इंजन के काम में बिजी क्या हुए कि उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया। कार्ल को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर ऑगस्ट रिटर के पास भी कंपनी के शेयर्स थे और इसी वजह से कार्ल इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उनका खाने पीने का सारा पैसा इसी लोहे के कारखाने से आता था। लेकिन इस बुरी सिचुएशन में एक लड़की ने उनकी मदद करी और इस लड़की का नाम था बर्था रिंगर जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। अब हुआ ये कि बर्था के घर वालों ने उसके दहेज के लिए कुछ पैसे सेव किए हुए थे। अब बर्था ने क्या किया कि इन पैसों में से उसने कुछ पैसे लिए और उससे ऑगस्ट रिटर के सारे शेयर्स खरीद लिए, जिसकी वजह से अब उस लोहे के कारखाने के सिर्फ 2 मालिक थे, बर्था और मिस्टर कार्ल बेंज। और अगले 10 सालों तक इन्होंने बहुत से पेटेंट अपने नाम किए, जैसे कि एक पेटेंट उन्हें मिला कि इंजन की बैटरी को इग्नाइट कैसे किया जा सकता है, दूसरा पेटेंट गियर शिफ्ट बनाने के लिए मिला, तीसरा क्लच के लिए, चौथा कार्बोरेटर बनाने के लिए, पांचवा इंजन को ठंडा रखने के लिए, छठा पेटेंट था स्पार्क प्लग पर और 7वां स्पीड रेगुलेटर के लिए। इतने पेटेंट्स लाने के बाद भी ये कंपनी पैसे नहीं कमा रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर कार्ल बेंज क्या करते कि वो कंपनी के कुछ शेयर्स इन्वेस्टर को बेचते थे और उसके बदले में पैसे लेते और ये प्रोसेस चलता रहा और एंड में कार्ल बेंज के पास सिर्फ कंपनी के 5% बचे, जिसकी वजह से जो सारे बाकी के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कार्ल को डिमोट कर दिया यानी छोटी पोजीशन पर लगा दिया और कार्ल बहुत दुखी हुए। मिस्टर बेंज को पता चल चुका था कि इस कंपनी में रहकर उनके सपने पूरे नहीं हो सकते और उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी और दोबारा से वो 0 पर आ गए। कुछ हफ्तों के बाद बेंज 2 भाइयों से मिले जिनका नाम था मैक्स रोज और फ्रेडरिक विलहेम, जो कि दोनों एक साइकिल शॉप के ओनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया बेंज एंड सी। इस कंपनी को जल्दी सक्सेस मिल गई। बेंज को यहाँ पर बहुत टाइम मिल रहा था अपने इंजन पर काम करने के लिए और 1885 में उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो खुद ब खुद चल सकती थी और इसे पेटेंट भी करवाया और इसे नाम दिया गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन। इसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी। अभी जो मॉडल 1 था इसे कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट था और एक बार पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन हो रही थी और ये मॉडल जाके सीधा दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से जो मॉडल था ये बहुत ही कम बिका। अगले ही साल यानी 1889 में इन्होंने मॉडल 2 निकाला और 2 साल के बाद मॉडल 3। मिस्टर बेंज की वाइफ बर्था को यकीन था कि ये मॉडल 3 बहुत अच्छा है और इसे ज्यादा बेचने के लिए इसकी पब्लिसिटी की जानी चाहिए, लेकिन मिस्टर बेंज इससे राजी नहीं थे। वो जानते थे कि ये मॉडल 1 की तरह कहीं टकरा गया तो ये दोबारा से मॉडल्स नहीं बिकेंगे, इसलिए वो इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे थे। फिर 4th अगस्त 1888 को बर्था ने कुछ डिसाइड किया। वो रात को छुपके से अपने 5 बच्चों के पास गई, उनमें से 2 बच्चों के कान में उसने कुछ कहा और आके वापस अपने हस्बैंड के साथ लेट गई। अब अगली सुबह उसने जो किया उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि बर्था एक ऐसा स्टेप उठा सकती। बर्था बेंज अगले दिन छुपके से उठी, उसने अपने 2 बेटे रिचर्ड और यूजन को साथ में लिया, गैराज से बेंज मॉडल 3 निकाले और कार स्टार्ट की और अपनी माँ के पास निकल गई जो कि 106 किलोमीटर दूर था।
रास्ते में जब कई लोगों ने उसे देखा तो वो डर के मारे भूत भूत चिल्लाने लग गए। किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये चीज क्या है जो खुद चली जा रही है, और उसे चिल्लाने के लिए कोई हॉर्स नहीं। लेकिन मिसेस बेंज फिर भी चलती रही। उस वक्त मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर फ्यूल ही आता था। उसने लिग्रोइन, जो कि पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, उसे खरीदने के लिए गाड़ी को एक फार्मेसी की दुकान में रोका, क्योंकि उस जमाने में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। उस फार्मेसी की दुकान से लिग्रोइन खरीदा और उसे कार में डाल दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जर्मनी में ये जो फार्मेसी की दुकान थी, इसे आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी सबसे पहला पेट्रोल पंप। इसके अलावा उस वक्त कौन से अच्छे रोड थे, इसलिए बीच बीच में गाड़ी खराब हो जाती। बार बार बर्था कार को रोकती, बच्चों को नीचे उतारती, कार को अपने हेयर पिन से रिपेयर करती और दोबारा से कार का कुछ किलोमीटर कंप्लीट करती। बीच में उनकी कार ब्रेक्स पूरे तरीके से घिस गई थी, क्योंकि वो लकड़ी की थी। तो बर्था ने कार को एक मोचे की दुकान पे रोका और लेदर की ब्रेक्स लगवाई। इस 106 किलोमीटर को कवर करने के लिए बर्था और उसके दो बेटों को 12 घंटे का समय लगा। वहाँ पहुंचकर उन्होंने टेलीग्राम से अपने हस्बैंड को बताया कि वो अपने माँ के घर पहुंच चुकी है। थोड़े दिनों के बाद वो इसी कार में वापस कार्ल बेंज के पास आई। इस ट्रिप से इन दोनों के बिजनेस को बहुत पब्लिसिटी मिली। इवन की ब्रेक की इम्प्रूवमेंट्स के बारे में भी बर्था ने कार्ल को बताया, जिसकी वजह से इस डिजाइन को चेंज कर दिया गया। और इस तरीके से पहली बार एक वाइफ ने अपने हस्बैंड की इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाया। बर्था की इस एक्टिविटी से कंपनी को बहुत पब्लिसिटी मिली और इनका इंटरनल कम्बस्चन इंजन बहुत बिका और बेंज दुनिया के सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। और 1899 में इन्होंने पूरी दुनिया में 572 कार्स बेची। ये नंबर उस वक्त के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि सारे लोग सिर्फ घोड़ा गाड़ी यूज करते थे और सिर्फ अमीर लोग ही इन कार्स को अफोर्ड कर पाते थे। इस वक्त बेंज की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक और कंपनी थी जो इनकी कॉम्पिटिटर बन गई और वो बेंज की तरह ही बहुत अच्छी कार्स बना रही थी। इस कॉम्पिटिटर का नाम था डाइमर मोटर्स। अब इसमें दो पार्टनर्स थे, गॉटलीब डाइमर और विलहेम मेबैक। अभी दोनों थे तो इंजीनियर ही, लेकिन जो डाइमर थे वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। वो जानते थे कि अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है। लेकिन ये समझो, और उतने अच्छे बिजनेसमैन मिस्टर कार्ल बेंज नहीं थे। 1887 में डायमंड मोटर्स फ्रंट इंजन मोटर कार बना चुके थी, जो कि आज की कार की जैसे दिख रही थी, यानी कि बेंज की गाड़ियों से भी अच्छी दिख रही थी। और इसके बाद डायमंड मोटर्स ने बनाई अपना मास्टरपीस, जो कि था मर्सिडीज 35 HP। अब इस कार का नाम मर्सिडीज क्यों पड़ा, इसके पीछे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली उस वक्त एक रिच बिजनेसमैन था जिसका नाम था एमिल जेलेनिक, जो कि बहुत सी कार्स बेचता था। आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि उसका एक शोरूम था। उसने डायमंड मोटर्स के मालिक को कहा कि देखो, मैं तुम्हें कार का बहुत बड़ा ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, ये जो नई कार है वो पुराने मॉडल से सबसे बेटर होनी चाहिए। शर्त नंबर 2, इस कार का नाम मेरी बेटी मर्सिडीज के ऊपर रखा जाएगा। डायमंड मोटर कंपनीज के मालिकों ने ये बात मान ली और ये मॉडल बहुत ही फेमस हुआ। इसके बाद जर्मनी के इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों बेंज और डायमर की कार्स नहीं दिख रही थी। अब इन दोनों कंपनीज ने डिसाइड किया कि इन्हें मर्ज कर जाना चाहिए, और इन्होंने एक्चुअली किया भी ऐसा ही, और इस कंपनी को नाम दिया गया डायमर बेंज कंपनी। इसके बाद जितने भी मॉडल्स इन दोनों कंपनी ने निकाले, उन्हें डायमर बेंज कहने के बजाय इन्होंने मर्सिडीज बेंज कहा, जैसे कि मर्सिडीज मॉडल एस, मॉडल एस एस के एक्सेट्रा। और इन सारे मॉडल्स को एक बहुत ही फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया था, जिसका नाम था फर्डिनेंड पोर्शे। आई होप पोर्शे नाम आपने जरूर सुना होगा। अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई, जब वो 84 इयर्स के थे, और इसके बाद एंट्री हुई एडॉल्फ हिटलर की। हिटलर को मर्सिडीज बेंज इतनी पसंद थी कि वो खुद भी उसमें ट्रैवल किया करते थे। हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि जर्मनी की कार ही सबसे बेस्ट है, इसलिए उसने डाइमर बेंज कंपनी को कहा कि तुम ऐसी कार बनाओ जो दुनिया में सबसे तेज हो। और हुआ भी ऐसा ही। जितने भी उस वक्त वर्ल्ड में कार रेसेस हुई, उसमें से मैक्सिमम रेस बेंज की कार ने जीती। एक और कंपनी उस वक्त की कार रेस जीत रही थी, जिसका नाम था ऑटो यूनियन, लेकिन ये भी जर्मनी की ही कंपनी थी। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जर्मनी की मैक्सिमम कंपनीज को कहा कि वो अब सिर्फ आर्मी के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसलिए डाइमर बेंज कंपनी ने भी अपने मेन प्रोडक्शन बंद कर दिया और नाजी जर्मनी के लिए व्हीकल्स और ट्रक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। हिटलर ने जब बेंज कंपनी को और ट्रक बनाने के लिए कहा, तो पहले तो बेंज कंपनी ने विमेन वर्कर हायर करे, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो जो ज्यूज प्रिजनर थे उन्हें वर्कर बना के उनसे जबरदस्ती काम करवाया। एक टाइम पर 63,000 प्रिजनर बेंज कंपनी के लिए काम कर रहे थे। जब जर्मनी वॉर हार गई तो इन कंपनीज की इमेज बहुत खराब हो गई कि इन्होंने प्रिजनर से जबरदस्ती काम करवाया है।
जो कि डाइमर बेंच कंपनी ने एक्सेप्ट भी किया। जो भी जर्मनी के अलावा फॉरेन में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो इनसे ले लिए गए और सिर्फ जर्मनी वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके पास बचे। अब इसके बाद इस कंपनी ने अपनी इमेज बिल्ड करना स्टार्ट किया। इन्होंने पहले एम्बुलेंसेज बनाई और उसके बाद पुलिस के लिए व्हीकल्स, बाद में दोबारा से कॉमन लोगों के लिए इन्होंने गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करूं तो उन्होंने 24 लाख गाड़ियां बेची जिसकी टोटल वैल्यू थी 13,640 बिलियन इंडियन रुपीज। और आज इन्होंने मर्सिडीज ब्रांड की इतनी अच्छी इमेज कर दी है कि कोई मर्सिडीज गाड़ी खरीदता है तो वो इतना खुश होता है कि उसे लगता है कि उसने कोई आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दिया या फिर कोई यूनिकॉर्न बना दिया। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें तो उन्होंने एक के बाद एक लग्जरी कार लॉन्च की है, जैसे कि 1950s में W187220 जो कि एक फुल साइज लग्जरी कार है, ग्रैंड टूरर लग्जरी कार, W186300, W121190, W128220SE, 1960s में W112300SE, W100600, W114, W115200 etc. 1970s में R107SL क्लास, C107SLC क्लास, W123 मिड साइज एग्जीक्यूटिव कार, 1980s में W123 एग्जीक्यूटिव क्लास कार, W201190 कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटिव कार, 1990s में W168 ए क्लास, W210 ई क्लास, W463 जी क्लास, W163 एम क्लास, W140 एस क्लास, 2000s में W169 ए क्लास, W245 बी क्लास, W204 सी क्लास, C216 CL क्लास और 2010 में W415 सिटान, W176 ए क्लास, R231 SL क्लास, W222 S क्लास, C117 CLA, X156 GLA etc. इसके अलावा 2020 में लेटेस्ट H247 GLA क्लास, W223 S क्लास, W206 C क्लास, R501 EQE SUV CLE, W214 E क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।